बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुमुस्सलाम। फ्रंट वालों ने बिल्कुल नहीं किया नाश्ता, सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ? आवाज़ भी नहीं आ रही, साइलेंट मोड पे तो नहीं गए? फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल एंड कॉलेज में आने का मकसद, आपसे मुलाकात का मकसद यही है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं और स्कूल जो भी कुछ आपको दे रहा है, इन वैल्यूज़ को आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक मेरा रिश्ता सर राणा सुहेल साहब के साथ ताल्लुक की बात है, काफ़ी पुराना है, इतना पुराना है आप कहें कि 18 महीने हो चुके हैं इसको, हमारी बातचीत चलती रहती है। सर मेरे साथ आपकी अचीवमेंट्स शेयर किया करते हैं हमेशा। अभी जो मैंने गुफ्तगू आपके सामने करनी है वो है स्टमक के बारे में, स्टमक के बारे में। हाँ, तो अलिशबा मुझे ये बताएं, कहाँ है अलिशबा? मैं जानता नहीं हूँ अलिशबा। अलिशबा मुझे ये बताएं, स्टमक की स्पेलिंग क्या है? STOMACH। ऐसे ही कह दी भी है, बैठ जाओ, जी क्लैपिंग होनी चाहिए स्टमक के लिए। लेकिन मज़े की बात ये मेरे कैमरामैन हंस रहे हैं मुझ पर, उसकी वजह ये है कि उनको पता है कि मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ। मज़े की बात ये है कि स्टमक की स्पेलिंग नहीं है जिस पर मैं बात करने वाला हूँ, स्टमक की स्पेलिंग है S, बोलिए पूरा ना बोला ना, एस टी एम के, स्टमक। रिपीट आफ्टर मी, एस टी टेंशन। आप लोगों में किन किन को लगता है बाज़ वक़्त वो टेंशन में होते हैं? रेज योर हैंड्स। भाई बड़ा भाई सामने है, डरना नहीं है। ये वो बड़ा भाई जो अपनी छोटी बहनों से भी मार खाता है। हाँ, उसकी वजह है कि आप फ्री हो एक दूसरे के साथ। घर में अगर आप, आपके भाई ऐसा नहीं है कि जो आपके साथ इस तरह फ्री हो और आप उसको मुक्का मारें, आप इतने फ्री नहीं, इसका मतलब ये है कि आप, आपकी कम्युनिकेशन ही नहीं है भाई। सीधी सी बात है, आप हर चीज़ शेयर करें। टेंशन, सीधी सी गल है, यूट्यूब पे किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं, मुझे भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। कुरान को अगर इस अंदाज से आप पढ़ें तर्जुमे के साथ तो क्या ही बात है। टेंशन की जब बात आती है, टेंशन क्यों होती है? यार मैं अकेला हूँ, मेरे साथ तो कोई नहीं है। अलिशबा पढ़ती है और वो नोट्स बनाती है और पेपर आ जाएंगे और मैं ये करूँगी और वो करूँगी, पता नहीं क्या होगा। तो टेंशन जब भी होती है तो आप अकेलापन इसलिए महसूस करते हैं, कोई है ही नहीं सर, कोई नहीं। अरे भाई पढ़ाई के मामले में नंबर सही ना आए तो अम्मा अब्बा भी नहीं छोड़ते भाई, आप कौन, तुसी कौन? खाना खाती हो, उधर फेल हो रहे हो और यहाँ खाना खा रही हो, इस तरह के टॉन्ट आपको मिलते हैं, आपको टेंशन होती है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ज़हन में रखें, जब आपका रब के साथ ताल्लुक स्पिरिचुअली आप मजबूत होंगे और साथ साथ आप मेहनत करते रहेंगे, आप टेंशन नहीं लेंगे। कुरान की उस आयत का मफहूम ज़हन में रख लो, वो रब कहता है जब तुम अकेले होते हो ना, तुम अकेले नहीं होते, दूसरा मैं होता हूँ। जब तुम दो होते हो ना, तुम दो नहीं होते, तीसरा मैं होता हूँ। और जब तुम तीन होते हो ना, तीन नहीं होते, तुम चौथा मैं होता हूँ। टेंशन लेट दी, कोई लोड ही नहीं। आप फैमिली मेंबर होने के नाते कोई ऐसी एडिशनल चीज़ ऐड कर रहे हैं कि जब आप घर में होते हैं किसी को टेंशन नहीं होती, मेहमान आए तो आप हैंडल कर लेते हैं, ये भी एक वैल्यू है, इसको भी हकारत की निगाह से मत देखिए, ये भी एक एडिंग वैल्यू होती है। मैं अपने भाई की, छोटी भाई की, छोटे भाई की मिसाल देता हूँ, मैं घर में आने वाले हर मेहमान को बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं करवाता, मैं अपने काम में मगन रहता हूँ। रात के 3-4 बज जाते हैं, फजर की नमाज का वक्त हो जाता है, मैं पागलों की तरह इसी तरह बोलता रहता हूँ जिस तरह अभी बोल रहा हूँ, शौक की वजह से, जौक की वजह से। मुझे से कोई फिक्र नहीं होती, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। छोटा भाई है अब्दुल कुद्दूस भाई, और वो मेहमानों को सर्व बहुत अच्छा करता है, वो हमारे ख़ानदान में एक वैल्यू ऐड कर रहा है, वी कैन नॉट इग्नोर देम। इसी तरह वालिदैन के बारे में आखिरी बात करता चलूँ, हमारे पास टाइम नहीं होता, मैं अपनी मिसाल दिया करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता वालदेन के साथ रहते हुए, मैं हफ्ते में एक बार दो बार अपने वालदेन की शक्ल देख लेता हूँ। अनबिलीवेबल, अनएक्सेप्टेबल, वो उम्र अल्लाह ने ज़िंदगी दी, मैंने भी देखनी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? आप उनके पसंद की कोई चीज़ उनके लिए ले जाएं, चाहे वो 5 रुपये की हो, चाहे वो 50 रुपये की हो, उनके लिए ज़रूर ले जाएं। वो जो पसंद की उनकी चीज़ आप उनके पास लेके जाएं, अपनी पॉकेट मनी से, उसके पैसे अम्मा से नहीं लेने, अब्बा से नहीं लेने, अपनी पॉकेट मनी से वो जो चीज़ आप देंगे ना, वो जो खुशी सामने आएगी आप बयान नहीं कर सकते मैं उसको अल्फाज में। मैं खुद प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, करता रहता हूँ, और एक्सपीरियंस चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप भी करें। फिर कल को आप जो भी मामा से कोई डिमांड करेंगे ना, मामा अरे अरे
फटाफट उसको भरपूर अंदाज से कंप्लीट करेगी। मुझे दीजिए मिसबाह खान यूसुफ जी को इजाज़त दीजिए, और पसीनों से शराबूर हैं हम और आप तो नहाए हुए हैं। थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकुमुल्लाह, क्लैपिंग फॉर योरसेल्फ।